माधव रंडी के औलाद को पहले तो ये तो जो था वो चलो आ, आ, किसी और को मतलब टारगेट करता था बोलता था यूट्यूबर को फिर गाली देना शुरू कर दिया लेकिन इसकी बहन का मतलब इंडस्ट्री को ये सलाह आके बाहर से इस भोसड़ी वाले का क्या है तेरा लैंग्वेज खोटा नरे तो का मैया का करवा रहा है क्या करवा रहा है भोजपुरी में आके साले सारे के सारे यूट्यूबर जो हैं वो सुधर गए ठीक है सब लोग चाह रहे हैं हम सब चाह रहे हैं कि नहीं भाई मिलजुल के रहो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ लेकिन नहीं इसकी बहिनिया का जो है ना वो अंदर जो है वो खुजली हो रहा है कि आओ मार लो मार लो मार लो मार लो मार लो अब कितना से ठुकवाती है हमको यही समझ में नहीं आता है जिससे मनुष्य हाबड़ा बिरीज हो गया है क्या कि जो मन में आया देखने चला आया जो मन में आया उसको ऊपर चला देते हो अपने बहन के ऊपर अरे घोचुआ भाई मुझे इस चीज से मतलब सोचो कि ये आज तक मतलब यूट्यूबर को गाली दिया टारगेट किया लेकिन इसकी माँ का तरीब मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं बहन ये एक राइटर तहाक को गाली देना शुरू कर दिया कहां से इतना औकात आ गया बे तेरे है दमरे मऊगा कहीं का कि तुम कहीं पे मिल सकोगे इसने प्रिंस प्रियदर्शी को मां बहन तक का गाली दिया अगर तेरे पिछवाड़ा में इतना अगर ताकत है ना तो तुमको हम बुलाते हैं तुम कहीं भी तुम एड्रेस लेकिन तुम भोसडी वाले मऊगा का मऊगा ही रहोगे तुमको पटना में खोजते हैं लोग आओ तुम पटना में मिलो और तेरे अंदर अगर दम है तो तू पटना में आ और हमसे मिल घर में घुस के कोई भी गाली दे सकता है अबे तू क्या समझता कि तेरे बहन सब जो कोठा पे नाच कर रहे हैं तो सबका कोठा पे नाचते हैं रे। भोसड़ी आके झारखंड से और भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है मतलब किसी को चूल नहीं कटा लेकिन इसकी बहन थी ना वो पुखरा इसको जरूरी था चढ़ाना इसको तो एकदम बताना बहुत जरूरी ऐसा लग रहा है कि अगर वो न्यूज नहीं देता तो नमस्कार भाई वो ये न्यूज़ अगर हम नहीं देंगे तो इंडस्ट्री जो है वो गर्क में बैठ जाएगा अपने बहन को ले जाके बीएचयू में वीडियो वायरल हुआ तब तो इसको शर्म ही नहीं आया इसको तो मतलब मुंह लगना ही बेकार है वो तो इसको शर्म नहीं आया तो अब क्या शर्म आया बहुत सारे लोग हमको बोल रहे थे सुबह से मतलब मैसेज कर रहे थे देखिए प्रिंस भैया को गाली दिया प्रिंस भैया को गाली दिया प्रिंस भैया को गाली दिया देखो क्या है ना कि ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए जिसका माइक है गली गली तो बेटा तो बहरंग बली बनेगा ही अब स्थिति इस में इसको गाली देकर भी क्या करे कीचड़ जानते हैं ना कीचड़ गंदगी गंदगी को आदमी उसमें पाव डालता थोड़ी है उसे साइड करके निकल जाता है वो यही कीचड़ है इसमें कोई पाव नहीं डालना चाहता इसे साइड होकर निकला करिए ये ऐसा दोगला हो चुका है इसकी मां कम से कम एक हजार लोग के साथ सोई थी तब ये पैदा हुआ था ये ऐसा दोगला हो चुका है इसका बहन तो आपको पता ही है तो ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के बारे में बात ही करना बेकार है ये इस प्रकार का दोगला हो चुका है भड़वा है ये साला। इसके बारे में क्या ही बात करें लेकिन शर्म आता है कि कुछ लोग अभी भी जो है ना इंडस्ट्री में न्यूज रिपोर्टर समझते हैं और इसको एक स्टार का सपोर्ट मिलता है ऐसे दोगले को जो कि खुलेआम जो है जवान को, को, तो फिर भी गाली तब देता था जब अश्लील कोई गाता था लेकिन ये क्या अब अब कहा गया वो सुपर स्टार ज्यादा कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे